नमस्कार साथियों आज हम गुलाब का ट्रांसप्लांट करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम गुलाब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उगा सकते हैं बड़ी आसानी से तो जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है गुलाब का जो पौधा है टहनी है उसके बीच में से एक ये जगह लेनी हो उसके आसपास से आराम से जो मोटी छाल होती है टहनी की उसे निकाल दें बढ़िया आराम से और उस मोटी छाल को निकालने के बाद बढ़िया आराम से पहले मोटी छाल निकाल लें और उसको निकालने के बाद जैसे कि एक प्लास्टिक की बोतल हो सकती है या जो भी आपके पास सुविधा हो उसे आप ले सकते हो और उसको लेने के बाद जैसे कि उसके बीच में सेंटर में छेद कर देना है जिससे कि हम पौधे की टहनी को अंदर ले सकें और जिस प्रकार हम पौधे की टहनी को अंदर लेते हैं उसके बाद उसको टेप से या किसी भी प्रकार की चीज़ से उसे चिपका दें अच्छे से ताकि मिट्टी पानी जो भी हम उसके अंदर डालें वो बाहर न जाए उसके बाद उसमें गोबर खाद डाल सकते हो सिटी कंपोस्ट या जो भी आपके पास प्रेजेंट टाइम उपलब्ध हो फिर उसको अच्छे से दबा दें और उसे व्यवस्थित रूप से जम जमा के रख दें उसमें उसको जमाने के बाद उसमें पानी डाल दे ताकि पूरी मिट्टी गीली हो जाए अच्छे से अब चलते हैं लॉन्ग टाइम पर अड़तीस दिन बाद पौधे का क्या हाल है दोस्तों देखते हैं पौधे में बहुत सारी जड़ें वग़ैरह है फूठान उसके नीचे भी चली है और पौधे के अंदर भी चली है दोस्तों तो इस प्रकार से आप पौधे को जमा सकते हो अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो अब इसको हम काट लेंगे दोस्तों और काट के पूरे पौधे को अलग कर लेंगे जैसे कि हमने पौधा अलग कर लिया है अलग करने के बाद इसको देखेंगे कि इसके अंदर वाइट रूट जड़ें हैं वो चली या नहीं चली है हंड्रेड परसेंट में इसमें वाइट रूट ज़रूर चली है जड़ें ज़रूर चली होगी और इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी आसानी से लगा सकते हैं गुलाब का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और ये पौधा हंड्रेड परसेंट चलने वाला है जैसे कि हमने इसको बाहर निकाल लिया है इसके अंदर देखो एक फुटान तो ऑलरेडी चली हुई है और इसके अंदर बहुत सारी फुटान चली है जहाँ पर हमने वो छाल निकाली थी और उसके बाद आप किसी भी पौधे को यहाँ से ट्रांसप्लांट कर सकते हो जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है जो वाइट वाइट बिंदिया दिख रही है कैमरा क्लियर के नहीं हो पा रहा है तो इसमें इस प्रकार की जड़ें चली है करीबन हमने इसको अड़तीस दिन का टाइम दिया है आप चाहो तो इसे दो या तीन महीने का टाइम देकर बड़ी आसानी से बहुत अच्छा पौधा बना सकते हो उसके बाद इसको मिट्टी में गाड़ दीजिए और हमने इसको मिट्टी में इसलिए गाड़ा है ताकि इसमें और अच्छे से जड़ें फूटान वाइट रूट अधिक निकली आए और उसके बाद हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसप्लांट कर देंगे जहाँ पर भी हमें लगाना है गुलाब को क्योंकि ये अभी तो हमने आपको दिखाने के लिए किया था और इस प्रकार से आप किसी भी गुलाब का या अन्य पौधे का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और भी एग्रीकल्चर की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें जय हिंद जय जह भारत